नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के अंतिम रिहर्सल का किया गया आयोजन। फुल ड्रेस में नजर आए प्रतिभागी। 7 के करीबन स्कूलों के द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। पीटी और डंबल में 1500 के करीबन छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फतेहाबाद के 9 विभागों द्वारा निकाली जाएगी झांकियां। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त महावीर प्रसाद ने बताया कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस अंतिम रिहर्सल आज करवाई गई। फतेहाबाद में आयोजित 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में छात्र स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे, तो वहीं 9 विभागों के द्वारा अपनी अपनी उपलब्धियों को लेकर के झांकियां निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में बच्चे पीटी और डंबल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन 26 जनवरी को करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। जैसा कि आपको होगा कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में माननीय श्री रणजीत सिंह चौटाला ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार उपस्थित होंगे। सर, इसमें कितने स्कूलों ने भाग लिया जी? इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे पीटी परेड करीबन उसमें हमारे 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और उसके अलावा परेड की हमारी 8 टुकड़ियाँ हैं जिसमें महिला और पुरुष पुलिस के, उसके अलावा हमारे कॉलेजेस के स्कूल्स के बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, उन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कल्चरल आइटम्स की हमारी 60 टीम है। जी हाँ, DAV स्कूल, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल है, हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, इसके अलावा क्रिसेंट स्कूल है, 6-7 स्कूल हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कल्चरल आइटम्स में। उसके अलावा करीबन 9 विभिन्न विभागों की झांकियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि इसको एक भव्य इसका स्वरूप दिया जाए। Thank you.